वेलकम टू दिल्ली किचन। आज हम बना रहे हैं चिकन नहारी शान मसाले से। बहुत इजी है, बहुत आसान इसको बनाना, तो चलें शुरू करते हैं। 750 ग्राम चिकन ले लीजिए, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए, 1 से 1.5 कप हमें घी चाहिए, आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं। पतीली में घी को गरम कर लीजिए, 2 बड़े खाने के चमचे डालकर। घी जब गरम हो जाए, अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, तो उसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले मैंने घी डाल लिया, अब हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और इसको थोड़ा सा सौते कर लिया। सौते का मतलब होता है कि थोड़ा जैसे खुशबू आने लगे हल्की सी, तो हमने उसमें चिकन ऐड कर देनी है। चिकन हमने धो ली थी, ये आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है, 750 ग्राम है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे लहसुन में और तेल में, और कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। ये देखिए, हमारा लहसुन और चिकन भुनना शुरू हो गया है। अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे शान का निहारी मसाला। अच्छा, इसमें मैंने 1.5 पैकेट मसाला डाला है, जो साशे आता है ना, वो एक कंप्लीट साशे डाला मैंने, और एक मैंने डाला है इसमें आधा, क्योंकि ये हमारे पास आधा किलो से ज़्यादा चिकन थी। अब अगर मैं इसमें पूरा पैकेट डाल देती तो मिर्चें और मसाले तेज़ हो जाते, तो इसलिए मैंने साशे डाला है। एक साशे आधा किलो में काफ़ी होता है, तो ये आधा किलो से ज़्यादा था, तो मैंने 1.5 साशे डाला है इसमें। ये देखिए, चिकन भुनना शुरू हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया, मसाले का ऑयल ऊपर नज़र आना शुरू हो गया है। ऐसा ऐसा हम इसको पका रहे हैं मसाले को। अब हम इसमें डालेंगे पानी 1 ग्लास, ताकि ये चिकन गल जाए। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे तब तक जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। हमें चाहिए आधी प्याली आटा, इसको हम पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे पतला सा। ये याद रखिए कि इसमें लम्स बिल्कुल ना रह पाएँ, ज़रा सा भी लम्स होगा, गुठलियाँ होंगी, तो वो जो शोरबा होगा ना नहारी का, उसमें वो अलग नज़र आएंगी, गुठलियाँ वो फिर घुलती नहीं है, अगर आप सही से मिक्स करके नहीं डालेंगे तो। अब हम नहारी को चेक करते हैं कि तैयार हुई कि नहीं हुई। ये देखें, चिकन हमारा गल चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है, पानी खुश्क हो गया है इसका। अब हम इसमें आटा डाल देंगे। आटे के पेस्ट को डालने के बाद इसमें हमने डालना है 2 ग्लास पानी। पानी डाल देंगे और इसको हम पकने रख देंगे, इतना पकाएंगे कि आटा पक जाए। ये देखें, हमारी निहारी जो है वो तैयार हो गई है, आटा बिल्कुल पक चुका है। अब एक अनियन लेंगे और 1.5 कप घी। घी गरम हो जाए तो हम अनियन फ्राई कर लेंगे, हमें इसको गोल्डन करना है। ये हम तैयार कर रहे हैं नहारी का भगार। अनियन गोल्डन हो जाए तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च। ये पिसी हुई लाल मिर्च मैं इसलिए डालती हूँ कि जब ये हम भगार लगाते हैं ना नहारी में, तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। आपने देखा है ना, बाज़ार की जो नहारी होती है वो रेड कलर की होती है, तो वो इसीलिए होती है। तो ये देखें, हमारी नहारी तैयार हो गई, इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत टेस्टी और बहुत क्विकली बनी है और बहुत इजी होता है बनाना। लेकिन कुछ लोगों से जो है ये पैकेट की नहारी भी ठीक नहीं बनती, इसलिए मैंने जो है आपको ये बनाना सिखाई।
कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।